चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। देखें हमने कब उसे मानेंगे कि वो सेल काउंट हो गई है। क्या काउंट हो गई है? सेल। देखें कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड, नहीं ये क्या है, सेल नहीं रिकॉग्नाइज होगी। एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, यानी एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस चालू हो गई उसकी ऑफ सर्विस, तो क्या है ये, क्या काउंट होगी, सेल काउंट होगी। करेक्ट। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स, नहीं है अभी। आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से कलेक्ट हो गया तो थोड़ी सेल है, सेल तो उधार भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेचर ऑफ अक्रूड इनकम इज, क्या है बोले, अक्रूड इनकम क्या होती है, क्या है अक्रूड इनकम। अब नेचर क्या है उसका, क्या वो रेवेन्यू है या वो लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है या वो एसेट है। तो मैं आपको बताऊं, अक्रूड इनकम जो होंगी वो क्या होंगी, एसेट। वो क्यों, मान लीजिए आपने कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, ठीक है। उसका जो रेंट आता है 10 तारीख को आता है एवरी मंथ, ठीक है। आज 15 तारीख हो गई, नहीं आया, नहीं दिया उसने, रेंट क्या हो गया, ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या है वो अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम हो तो चुकी है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो इसलिए अभी हमारे लिए क्या है, वो एसेट है, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड इज शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, कैन बी शोन आइदर सेपरेटली और डिडक्ट फ्रॉम परचेज कॉस्ट और नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है क्या है, इज नॉट शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको पता होगा ट्रेड डिस्काउंट घटा के सीधा, याद होगा आपने परचेज बुक सेल्स बुक बताई होगी, ठीक है, डायरेक्ट उसको लेस करके हटा देते थे अलग से। तो इसका आंसर क्या है, इज नॉट शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको अलग से नहीं शो किया जाता सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कह रहा है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है, इनमें से पूछ रहा है, तो बताइए उनको क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फॉर बिजनेस, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज। ओहो, पढ़ा था क्या कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, नहीं पढ़ा ना कि आज 100 मजदूर हड़ताल पे चले गए, ऐसा पढ़ा था हमने किसी में, नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, जो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है और ये आती भी नहीं है, आपने पढ़ी भी नहीं होगी, तो ये क्या है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, इसका आंसर यही थी।